हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट सिंटेक्स प्लास्टिक की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इस शेयर में कभी भी ट्रेडिंग बंद हो सकती है, कभी भी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज वही हुआ। आज मंडे है बट आज शेयर में ट्रेडिंग नहीं हुई है एंड साफ साफ मेंशन है कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ आईबीसी। सो आईबीसी इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट, आपको पता है इनके ऊपर चल रहा है सीआईआरपी। सो 23 जून को इसमें लास्ट ट्रेडिंग हुई है फ्रेंड्स। अपर सर्किट था उस दिन, मैंने आपको बोला था अपर सर्किट देख के कभी भी किसी शेयर में और वो भी ऐसे रिस्की शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ट्रेडिंग दोबारा से रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अब कुछ ऑब्वियसली अपडेट आएगा मैनेजमेंट की तरफ से, तभी हमें पता लगेगा। बट ये शेयर फ्रेंड्स मैंने आपको बोला है इसके डी लिस्ट होने के भी चांसेस हैं, तो आपको बच के ही रहना। तो फ्रेंड्स, ये शेयर अपने 52 वीक हाई से बहुत दूर है एंड फ्रेंड्स इसका मार्केट कैप देखिए कितना कम हो गया, 98 करोड़। एंड सारे फंडामेंटल्स नेगेटिव हैं, आप दोबारा देख लीजिए। एंड फ्रेंड्स सीआईआरपी चल रहा है, तो देखते हैं कोई न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये 31 मई को जो इनका रिजल्ट है ये वही है सब कुछ। उसके बाद अभी सीआईआरपी का हमारे पास कुछ भी न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये सब क्वार्टर फोर के रिजल्ट हैं, उसके बाद एनुअल सेक्रेटरीज कंप्लायंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वही सब है। तो पर कितना ज़्यादा लॉस आया इसके बाद, तो फ्रेंड्स शेयर डीलिस्ट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। 553 करोड़ का लॉस है मार्च क्वार्टर में। दिसंबर में था 3.79 करोड़ का लॉस। एंड फ्रेंड्स, प्रमोटर्स भी नहीं है शेयर में, आपको पता है ओनली 0.08% प्रमोटर होल्डिंग है। दिसंबर में स्टिल 3.40 थी और उसके बाद तो सब हटते गए। तो आपको काफ़ी इससे शेयर से बच के रहना है, इस शेयर में आपका पैसा डूब सकता है। अब फ्रेंड ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी, उसका रीज़न आपको पता है सीआईआरपी चल रहा है और जिन शेयर में सीआईआरपी चलता है उनकी ट्रेडिंग कभी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है और यही रीजन है इसका भी। सो फ्रेंड, जो भी इन्वेस्टर्स पूछ रहे थे कि सिंटेक्स प्लास्टिक में क्या हो रहा है, तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि शेयर में ऐसा कभी भी हो सकता है। तो जो आज हुआ है, हो सकता है ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो जिस दिन होगी उस दिन मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी। सो फ्रेंड, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। खुद से रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। चैनल को किया फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।